हेलो फ्रेंड्स, ये सुखदेव तनेजा चैनल है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हम लाइव कंपैरिजन करेंगे, आपको कुछ स्पेशल बेनिफिट बताएंगे कि ये ट्रैवल ओयरन क्या होता है। मतलब भारत में ये बहुत ही अजीब है और पहली बार जो है हमने देखा है। तो फ्रेंड्स, ये सैंपल जो है हमें बुलबुल ऐप की तरफ से मिला है, तो आप चाहो तो ये बुलबुल ऐप से मंगवा सकते हैं। तो बुलबुल ऐप में जो है आपको हर एक प्रोडक्ट की जो है प्रॉपर वीडियो मिलेगी, तो आप जो है बुलबुल ऐप के थ्रू जो है कई सारे प्रोडक्ट जो है अपने घर बैठे बैठे अच्छे दाम पर मंगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब जो हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ब्रांड है ये है ओजो मैक्स। तो इसमें जो है ट्रैवल में ओरन में जो है इनके तीन या चार और मॉडल भी हैं, तो जितना बढ़िया ख़रीदना चाहते हैं तो उसमें अलग अलग प्राइस उसके होते हैं। तो ये देखिए, एक्चुअल में ये इतनी लाइट इन वेट है, आप ये देखिए मेरे हाथ से भी छोटी है। और इसका जो नेट वज़न जो है अगर आप देखोगे तो सिर्फ 120 ग्राम है। हम जो है इसके साथ जो है एक नॉर्मल ओयरन रख देते हैं, तभी आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि ये है कितनी छोटी। आप ये देखिए, जो नॉर्मल ओयरन होती है, चाहे आप किसी भी ब्रांड की ले लें, तो उसके मुकाबले ये 1/4 या 1/5 छोटी होती है। तो इसका मेन पर्पज़ जो है ट्रैवलिंग में ही ज़्यादा होता है। तो अगर हम आपको ये दिखाएं कि इसके क्या क्या फंक्शन है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है ये आपका एक लॉक अनलॉक होता है। तो आपका अब ये देखिए, ये हैंडल बंद हो जाता है पर आप वापस इसको नहीं कर सकते। तो इसको करने के लिए जो है आपको ये दबाना पड़ेगा और ये फिर आराम से हो जाता है। और आप इसमें देखेंगे, ये इसका टेम्परेचर है, इसमें 3 टेम्परेचर सेटिंग है, लो, मीडियम, हाई। और नीचे आप ये देखोगे तो ये नॉन स्टिक सोल प्लेट है। तो जैसे आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है तो हर चीज़ में जो है आपको प्रिकॉशंस करनी पड़ती हैं। और ये जो हमारी ओयरन है, ये छोटे छोटे जो हमारे बच्चे होते हैं, जो हॉस्टलर हैं या बॉडी स्कूल होते हैं जिनके, या पीजी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा बल्कि सामान रखने की जगह नहीं होती है। तो बच्चों के लिए जो है ये काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी आसानी से वो कैरी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें ये इनके कुछ फ़ायदे बता रखे हैं। लाइट इन वेट है, पावर ऑन इंडिकेटर है, जब भी इसको पावर मिलेगी ये ऑन हो जाएगा, लाइट ऑन हो जाएगा। फोल्डेबल हैंडल है, जैसे हमने आपको बताया था इसका हैंडल फोल्ड हो जाता है। और फ्रेंड्स, इसके साथ जो है आपको एक कैरिंग बैग भी मिलता है, आप चाहो तो इस कैरिंग बैग में ले जा सकते हैं, और एक यूज़र मैनुअल। और फ्रेंड्स, इसमें जो है एक लास्ट पॉइंट इन्होंने जो बताया है वो है टेम्परेचर कंट्रोल नोब। तो फ्रेंड्स, आपका ये है तो इससे आप अपना टेम्परेचर सेट कर पाएंगे। अगर आप इसकी केबल की लेंथ देखेंगे तो ये देखिए, ये कम से कम 1.5 या 2 मीटर तो होगी, आराम से आपकी पहुंच जाएगी। अब जो है हम आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाते हैं कि कितनी ये पावर कंज्यूम करती है और कितनी कितने 1 मिनट में ये कितनी गर्म होती है, तो उसका हम आपको। तो फ्रेंड्स, हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, तो ये हमारा एक पावर मीटर है जो कि बताता है कि ये एक्चुअल में कितनी पावर कंज्यूम करता है। और हम इसका टेम्परेचर भी चेक करेंगे कि ये एक्चुअल में कितनी जल्दी गर्म होता है। ये देखिए, अभी आप सराउंडिंग टेम्परेचर 32.3 देख रहे हैं, और अगर हम इसको रख दें तो अब जो है इसका टेम्परेचर आप देख सकते हैं, तो 32.4 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जो है इसको ऑन कर देते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि ये पावर मीटर क्या रीडिंग दिखा रहा है। तो 150 वाट जो है ये एक्चुअल में बिजली कंज्यूम कर रहा है। और अब जो है हम देखते हैं कि इसकी लाइट जल गई है कि नहीं, लाइट भी जल गई है, तो एक प्रकार का सेफ्टी मेजर है। और एक नीचे सिलिकॉन की एक पैड रखी है ताकि ये जो है हमारी ये चीज़ें जल ना जाएं। तो ये देखिए, अब जो है अगर आप ये देखेंगे तो सिर्फ 10 सेकेंड में जो है 58 सेंटीग्रेड हो गया है। और अभी हम टेम्परेचर देखेंगे, 80 डिग्री हो गया है सिर्फ आधा मिनट में, आप कह सकते हैं 30 सेकंड में। और अगर आप ये देखेंगे 85, नीचे जो है टेम्परेचर कम होता है, ये देखिए जहाँ पर फिलामेंट है 98 डिग्री दिखा रहा है,
तो बीच में भी है, गर्म ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा ओवर टाइम देते हैं। तो ये देखिए 116, तो मैक्सिमम जो है हमने 120 या 130 के करीब देखा। तो ये देखिए जस्ट 1 मिनट में जो है 130 डिग्री तक इसका टेम्परेचर चला गया है, 135 तक जा रहा है इवन। तो ये हमने पहली बार इसमें देखा 140, तो हम देखते हैं कितना अधिक गर्म हो सकता है, 150। और अब नीचे थोड़ा सा कम है तो शायद ये ऑफ हो गया होगा, हायर टेम्परेचर आने पे जो है ऑटोमेटिकली अभी भी जल रहा है। तो चेक करते हैं कि कितना टेम्परेचर है, और हमारे जो है इधर स्मेल भी आने लग गई है, 166 यानी कि 170 डिग्री, 180, 180 डिग्री आप कह सकते हैं। तो लास्ट टाइम जो है हमने शायद इसकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं करी थी, तो बीच में जो है फिलामेंट्स इसके ज़्यादा, यानी कि बीच वाले एरिया में जो है टेम्परेचर ज़्यादा है, तो कह सकते हैं 190 तक जा रहा है। तो ये नया रिकॉर्ड हमने देखा है, और देखते हैं और इसको और थोड़ा और गर्म होने देखते हैं, तो इससे ऊपर भी जाता है कि नहीं। तो शायद ये इतना ही रहेगा। तो फ्रेंड्स ये था, हम इसको बंद कर देते हैं, शायद ये ऑटोमेटिकली ही बंद हो गया होगा, अपने आप ही बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया है, तो ये हमने पीछे से ऑफ कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये छोटी ज़रूर है पर बहुत ही पावरफुल है, और जब भी आप इसको मतलब कपड़े अपने आयरन कर रहे हैं या प्रेस कर रहे हैं तो अपने हाथ को टच नहीं करना है। तो काफ़ी अच्छा जुगाड़ आप कह सकते हैं कि आप अपने बैग में डाल कर ले जा सकते हैं, और क्योंकि ये इतना लाइट इन वेट है, इतना स्मॉल इन साइज़ है, आप ये देखिए मेरा हाथ जो है वो इससे बड़ा होगा, अगर आप मेज़र करेंगे तो मेरे पूरा हाथ से ये छोटी है, जबकि नॉर्मल आयरन आप देखते हैं वो काफ़ी बल्की होती है, तो ये इसका फ़ायदा है। तो फ्रेंड्स ये था ऑल अबाउट, आप इस प्रोडक्ट को हमारे वीडियो के नीचे जो है हम बुलबुल ऐप का लिंक डाल देंगे, आप उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। आपको इसी ब्रांड की जो है ओजो मैक्स की जो है कई सारी आयरन जो है बुलबुल ऐप में मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।